वेलकम इन एजुकेशन न्यूज़ ओनली यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 25 मार्च को एक डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम 2024 की कट ऑफ को लेकर होने वाला है। इसके रिजल्ट के रिलेटेड न्यूज़ पे भी काम करेंगे, तमाम प्रकार की अपडेट्स पे काम करेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्योंकि आप ही की तरह एसबीआई क्लर्क के रिलेटेड जितने भी बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था लगभग काफ़ी संख्या में इस चैनल पर जुड़ चुके हैं, क्योंकि उन तक उनकी अपडेट्स टाइम पे पहुंचती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फ्रेंड्स, आपको आज की कट ऑफ का डिस्कशन बताते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ बनाई गई है वो 4-5 फैक्टर का इस्तेमाल करके बनाई गई है, भले आप सेटिस्फाइड हो या ना हो। पहली चीज़ थी नंबर ऑफ पोस्ट, सेकेंड थी फ्रेंड्स नंबर ऑफ डिफ़िकल्टी जो पेपर का लेवल था उसके हिसाब से, और अपीयरेंस के हिसाब से भी मैं बात करूँगा अटेंडेंस कितनी थी, और चौथा जो था स्टूडेंट का खुद से जो रिव्यू लिया गया उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो सारी एनालिसिस हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जिस स्टेट से जितने बच्चों ने वोटिंग किया है, अपना अपना जो स्कोर शेयर किया है और अपनी अपनी जो पोस्टों की नंबर्स थी उसको देखने के बाद जो एनालिसिस हुई है, तो कुछ स्टेट जो मेन हैं और ज़्यादातर बच्चे यहीं से कमेंट करते थे, तो उनकी कट ऑफ कहाँ तक जाने वाली है। बिहार के अंदर 51 तक कट ऑफ जाने वाली है, गुजरात में 52 पे कट ऑफ, महाराष्ट्र में 72 पे, छत्तीसगढ़ में 63 पे, हरियाणा में 59 पे, राजस्थान में 58 से, यूपी के अंदर 61 से, झारखंड में 57, दिल्ली में भी 57 के अराउंड कट ऑफ जाएगी, और उत्तराखंड में 64 के अराउंड कट ऑफ बैठनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने 4-5 फैक्टर का इस्तेमाल किया है, नंबर ऑफ पोस्ट, डिफ़िकल्टी का पेपर का जो लेवल था, अपीयरेंस थी, अटेंडेंस थी, स्टूडेंट्स का जो रिव्यू था, यानी बिहार स्टेट के बच्चों ने जो है 51 का जो स्कोर है ज़्यादा परसेंट में शेयर किया था, तो उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई है। अगर आप सेटिस्फाइड हो या ना हो, कट ऑफ की टॉपिक पर वीडियो आपको इसी तरह से मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।